अस्सलामुअलैकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस उज़्मा और आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ मेरी उर्दू की किताब दुएं। ओपन योर पेज नंबर 4। उर्फ तहजी की सतर पर लिखाई। उर्फ तहजी को तरतीब से सतर पर लिखिए। उर्फ तहजी यहाँ पे बेतरतीब हुई हुई है, आपको तरतीब से यहाँ पे राइट करना है। ये जो ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है ब्लू वाला, ये डैश है, इस पे राइट करना है। ओके, ये फर्स्ट लाइन है। अब इसको तरतीब देना है कि अब बताना है कि हुर्फ तहजी में सबसे पहला हुर्फ कौन सा आता है। अलिफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अलिफ को सबसे पहले वाले ब्लैंक पे राइट करेंगे। अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है? बा। बा के बाद पा। अलिफ बा पा ता टा। और फिर क्या राइट होगा? टा के बाद क्या आता है? सा। हुर्फ़े तहजी की तो आपकी अच्छी से मक्श हो चुकी है, कॉपी में भी वर्क था आपका, तो आई होप कि आप ये इजिली कर सकते हैं। आपको सेकंड लाइन पे भी देखना है कि सबसे पहले कौन सा हुर्फ तहजी आता है, से के बाद क्या आता है? जीम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जीम यहाँ पे राइट करेंगे। जीम। जीम के बाद क्या आएगा? चा। हा खा दाल डाल जाल। ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। बढ़िया था। देन आपको पेज नंबर 5 पे क्या करना है? जहां जरूरी हो नुक्ते लगाइए। अलिफ में क्या नुक्ता आता है? नहीं आता, तो अलिफ को ऐसे ही जोड़ देना है। बा के नीचे क्या होता है? एक नुक्ता होता है, तो हमें नुक्ते लगाना है। हुर्फ़े तहजी में आपको अच्छे से पहले याद करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नुक्ता खुद से लगाना है। नुक्ते जो है आपको पढ़ पढ़ के लगाना है। अलिफ बा पा। पा के नीचे कितने नुक्ते आते हैं? 3 नुक्ते। पा ता। ता के ऊपर कितने नुक्ते आते हैं? 2 नुक्ते। टा के ऊपर एक छोटी सी तोय होती है और सा के ऊपर होते हैं 3 नुक्ते। आपको जिम में एडजस्ट करना है कि जिम में कितने नुक्ते होते हैं। चा ह ख। आपको ये पूरा वर्ड कम्प्लीट करना है खुद से। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे उर्दू का जो कॉपी वर्क था, आपको सेम वर्क यहाँ पे हुर्फ़े तहजी राइट करना है। ओके, यहाँ पे भी हुर्फ़े तहजी राइट करेंगे। यस, पेज नंबर 7 तक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क टास्क। पेज नंबर 4, डू पेज नंबर 4, 5, 6 एंड 7। दैट्स इनफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।